नमस्कार दोस्तों, मैं सुगंध आनंद, आईआईडी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत करती हूं। आईआईडी एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के बीच एक नया बिजनेस आइडिया लेकर। आज हम आपको बताएंगे शीट मेटल एनक्लोजर एंड कैबिनेट्स मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय के बारे में। और आज जिस इंडस्ट्री में हम आए हैं, यहाँ पर भी शीट मेटल एनक्लोजर एंड कैबिनेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। भारत में बढ़ते औद्योगिकरण के बाद न केवल विकास को गति मिली, साथ ही जीवन शैली में परिवर्तन हुआ और रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होने वाली विभिन्न वस्तुओं में बदलाव सामने आए। जैसे अगर शीट मेटल कैबिनेट और एनक्लोजर्स की बात करें तो इनके उपयोग में काफी वृद्धि हुई है। मेटल से बने कैबिनेट्स मॉइस्चर रेजिस्टेंट होने के अलावा लकड़ी या प्लास्टिक से बने एनक्लोजर्स की तुलना में सस्ते होते हैं, साथ ही अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इसलिए इनका उपयोग इलेक्ट्रिकल, मेडिकल और फूड इंडस्ट्री में किया जाता है। शीट मेटल कैबिनेट्स में जंग नहीं लगती और इनमें रखा सामान नमी से सुरक्षित रहता है। मेटल कैबिनेट्स अलग अलग साइजेस में बाजार में उपलब्ध हैं। इनका उपयोग बुक केसेस, लॉकर्स और ड्रॉर्स आदि के तौर पर किचन हो या ऑफिस, अमूमन हर जगह किया जाता है और इनकी अत्यधिक मांग रहती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि मेटल के कैबिनेट्स को कौन से रॉ मटेरियल से बनाया जा सकता है। इसके लिए कच्चे माल के रूप में एमएस शीट और पाउडर कोटिंग पेंट की आवश्यकता होगी और पैकिंग के लिए कॉरियोगेशन बॉक्सेस और स्ट्रेच रैप की जरूरत होगी। इन्हें बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स को ऑथराइज्ड वेंडर से खरीदने के बाद मेटल कैबिनेट्स या एनक्लोजर्स तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें सबसे पहले मेटल शीट को इन्वेंट्री से प्रोडक्शन एरिया में लाया जाता है। अब मेटल कैबिनेट की 2D डिजाइन के अनुसार इसकी कटिंग प्रोफाइल की प्रोग्रामिंग CNC लेजर मशीन में की जाती है, जिसके बाद ये मशीन इस शीट की डिजायर डिजाइन और शेप के अनुसार कटिंग करती है। फिर प्रेस ब्रेक मशीन की मदद से इसके कॉर्नर्स और एजेस पर रिक्वायर्ड टॉलरेंसेस से बेंडिंग की जाती है। फिर सरफेस पर हैंड टूल्स की सहायता से ड्रिलिंग और थ्रेडिंग की जाती है। थ्रेडिंग हो जाने के बाद इनके कॉर्नर्स और एजेस पर वेल्डिंग की जाती है। साथ ही टरेट पंचिंग मशीन का इस्तेमाल कर डिजायर्ड लोकेशन और टॉलरेंसेस पर मेटल हिंज और हुक्स की होल पंचिंग की जाती है। इसके बाद इस मेटल कैबिनेट को पेंटिंग सेक्शन में भेजा जाता है। फिर इसके सरफेस का केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद सरफेस पर पाउडर पेंट की कोटिंग की जाती है। आखिर में प्रोडक्ट की पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक फ्यूचर है, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक बेस इंडस्ट्री है हमारे तमाम इंडस्ट्रीज की। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री, साइंटिफिक इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, इसमें जो है वो बहुत सारी अप्रोच है इस इंडस्ट्री की, हमारी इंडस्ट्री की, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के बगैर वो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। मेटल के इन कैबिनेट्स और एनक्लोजर्स को तैयार करने के लिए मशीन्स और इक्विपमेंट में CNC लेजर कटिंग मशीन, CNC प्रेस ब्रेक, टरेट पंचिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन्स, पाउडर कोटिंग मशीन, कटर, सरफेस ग्राइंडर, टूल ग्राइंडर और हैंड टूल्स जैसे हैमर और चिसल की आवश्यकता होगी। मेटल कैबिनेट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग साइजेस और डायमेंशंस में बनाए जाते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए कंपोनेंट की प्लांट प्रोडक्शन कैपेसिटी 4000 कैबिनेट्स पर मंथ की है। तमाम खूबियों वाले शीट मेटल कैबिनेट्स के व्यवसाय को आप लगभग 5500 से 6000 स्क्वायर फीट एरिया में शुरू कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्शन एरिया 2800 से 3000 स्क्वायर फीट, रॉ मटेरियल स्टोरेज 800 से 1000 स्क्वायर फीट, फिनिश्ड गुड स्टोरेज 1000 से 1200 स्क्वायर फीट और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया शामिल है। साथ ही इस व्यवसाय को इन सभी मशीन्स और इक्विपमेंट के साथ शुरू करने के लिए लगभग 35 से 40 किलोवाट पावर कंजम्पशन का इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी लेना होगा। इस व्यवसाय को आप 15 से 20 लोगों की सहायता से शुरू कर सकते हैं।
गौर करें, उपयुक्त सभी फिगर्स व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती है। वीडियो में दिखाया गया प्लांट एक लार्ज स्केल प्लांट है और इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग 1.2 से 1.5 करोड़ रुपए की है। अगर आप ये व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए लगभग 65 से 70 लाख का पूंजी निवेश करना होगा। शीट मेटल कैबिनेट्स के व्यवसाय के माध्यम से आप 20 से 25 प्रतिशत का मुनाफा कमा सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए लाइसेंसेस के तौर पर फैक्ट्री लाइसेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लाइसेंस, NSIC, उद्यम और ISO की जरूरत होगी। इसके अलावा अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने आपको शीट मेटल एनक्लोजर एंड कैबिनेट मैन्युफैक्चरिंग के बेहद फायदेमंद व्यवसाय के बारे में जानकारी दी। देश के सबसे पहले वर्चुअल इंक्यूबेटर IIT का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको यूनिक और फायदेमंद बिजनेस आइडियाज की जानकारी देता रहे। अगर आप किसी भी व्यवसाय को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं तो जुड़िए IIT से। IIT की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से हमारे वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट एपिसोड्स और ढेर सारी बहुमूल्य सेवाएं। साथ ही डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप Entrepreneur India Live और हमारे चैनल Entrepreneur India TV को सब्सक्राइब कीजिए। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर।